हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? आज हम सीखेंगे आईब्रो बनाना, और इनकी एक आईब्रो नीचे और एक आईब्रो ऊपर की तरफ है, मतलब थोड़ा सा दोनों आईब्रोज में ना डिफरेंस सा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हम जब एक आईब्रो ऊपर और एक आईब्रो नीचे हो तो उनको कैसे हम इक्वल दिखाएं, मतलब इक्वल कैसे लगे, तो हमें किस तरीके से बनानी चाहिए, वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं एक आईब्रो जिसमें कट है वो वाली आईब्रो थोड़ी नीचे की तरफ है, और सेकंड वाली है वो थोड़ी ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले हमें हेयर्स कट कर देना है, जो हमारे खड़े हेयर्स होते हैं फ्रंट में उनको हम कट कर देंगे। उसके बाद में टैल्कम पाउडर लगाएंगे। आप कॉटन की हेल्प से लगा सकते हैं, या फिर आप पाउडर पफ आता है उसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको धागा लेना है। देखिए ये धागा आता है आईब्रो का अलग ही आता है, वही हम यूज़ करते हैं। उसका फुल डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कैसे हमें धागा चलाना है, किस तरह से हमें आईब्रो बनानी है, सब कुछ उसमें मैंने बता रखा है। यहाँ हम सिर्फ शेप पर फोकस करेंगे, बाकी धागा हमें कैसे चलाना है, लूप हमें कैसे बनानी है, कितने टर्न्स हमें लेने हैं, सब कुछ बताया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर से हमें थोड़ी फिनिशिंग दे देनी होती है, उसके बाद में हमें क्लाइंट को आईब्रो पकड़ने के लिए बोलना है। आईब्रो क्लाइंट जो पकड़ेंगे वो एकदम परफेक्ट पकड़ी हुई होनी चाहिए, जैसी शेप हमको चाहिए उसी शेप में हम आईब्रो पकड़ पाएंगे। क्लाइंट को नहीं पकड़ते बनता है, तो आप क्लाइंट को अच्छे से जैसे हमको रखवानी है आईब्रो सेट, वैसे आप खुद उनको पकड़ पाएंगे। और देखिए मैंने क्लाइंट को बोला है पकड़ने को, और उन्होंने अपनी आईब्रो पकड़ी है, और उसके बाद में मैं फ्रंट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रंट से मैं एक शेप, इनको मोटी आईब्रो बनवानी है, ज़्यादा पतली नहीं करवानी है। तो हम थोड़ा थोड़ा हेयर लेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा हेयर हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं और ज़्यादा हेयर आप लेंगे तो क्लाइंट इरीटेट होगा, उनके बाल निकलेंगे तो बहुत दर्द होगा, इसलिए एक एक हेयर आपको निकालना है। और इनका हेयर का टेक्स्चर भी थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए हमें एक एक हेयर सावधानी से निकालना है, क्योंकि ऐसे हेयर्स में क्या होता है, जब हेयर्स निकलते हैं उसके बाद में थोड़ा ब्लड चमकने लग जाता है, तो इसलिए काफ़ी ध्यान से हमें बनानी होती है। जिनके बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है उनके भी आईब्रो बहुत ध्यान से बनानी होती है। तो देखिए अभी हम थोड़ा थोड़ा हेयर निकालेंगे, क्योंकि इनको पतली आईब्रो नहीं करवानी है। तो आप अपने जब शेप में अगर आप आईब्रो पकड़वाते हैं ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है आईब्रो बनाने में। एक बीच से आपको जो क्लाइंट का आर शेप होता है, वहाँ से ऊपर से फोर फिंगर्स से क्लाइंट स्ट्रेच करेगा, और नीचे भी अपनी जो आईज बंद होती है वहाँ पर फोर फिंगर से अगर पकड़ेगा ना, तो आपकी एक प्रॉपर शेप में आईब्रो पकड़ने में आएगी, और आपको वही शेप को फॉलो करते हुए हेयर्स निकालने हैं। उस शेप में आपको पूरे हेयर्स अच्छे से नज़र आ जाएंगे कि आपको कौन सा हेयर निकालना है और कौन सा हेयर छोड़ना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने नीचे से भी हेयर्स रिमूव कर दिए हैं, और उसके बाद में मैं ऊपर से एक बार फिर से थोड़ा सा फिनिशिंग दे रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले वैसे ही थोड़ा धागा चलाया था, तो जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा हेयर है उसको मैं निकाल दे रही हूँ। और अभी हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे इसमें, क्योंकि ये एक आईब्रो ऊपर और एक आईब्रो नीचे है, तो हमें उसी हिसाब से यहाँ वर्क करना है। क्योंकि जो आईब्रो ऊपर और नीचे होती है ना, तो जिस वाली आईब्रो में ऊपर की तरफ बाल ज़्यादा होते हैं और नीचे की तरफ कम होते हैं, तो वहाँ हम ऊपर से हेयर निकालते हैं, नीचे से नहीं निकालते हैं। तो देखिए इसमें भी मैं सेम वही प्रोसेस से आईब्रो बनाना शुरू कर दिया है मैंने, और आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको धीरे धीरे वर्क करना है। आपको यहाँ जैसे क्लाइंट को राउंड चाहिए हो तो हमें राउंड शेप छोड़ देनी है, या अगर क्लाइंट को आर शेप चाहिए हो तो हमें आर शेप छोड़ देनी है। उसके बाद में फिर वही जैसे हमने उधर बनाई थी उसी तरह से हम इधर आईब्रो बनाएंगे। और देखिए मैंने क्लाइंट को आईब्रो पकड़वा दी है, और उसके बाद में हम बिल्कुल धीरे धीरे हेयर्स रिमूव करेंगे। यहाँ पर इनके फ्रंट में कट है, आप देख सकते हैं इस वाली आईब्रो में, तो हमें कट की जगह से बहुत ज़्यादा बाल नहीं निकालने हैं, क्योंकि वो जगह में स्पेस हो जाता है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है आईब्रो, इसलिए बहुत सावधानी से हमें कट वाली आईब्रो बनानी होती है। वैसे तो गाइज इनके कट बहुत ज़्यादा नहीं था इसलिए, लेकिन मैं आपको एक बताती हूँ ट्रिक कि जिनके कट्स हों आईब्रो में, तो हमेशा जो जिस आईब्रो में कट है वो आईब्रो आपको पहले बनानी है, क्योंकि बहुत बार क्लाइंट के शेप में जहाँ से हम शेप देते हैं वहीं पर कट्स होते हैं,
इवन मेरी आईब्रो में भी कट है, जहाँ पर हम आर्च बनाते हैं ऐसी जगह पर जब कट होता है तो हमेशा हमें सबसे पहले जिस आईब्रो में कट है वो आईब्रो हमें बनानी है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम सेकेंड आईब्रो बना चुके हैं और जब हम कट वाली आईब्रो बना रहे हैं तो उस आईब्रो में शेप भी नहीं आएगा, प्लस हो सकता है वो ज़्यादा मोटी बने, क्योंकि कई बार क्लाइंट की स्किन में लग जाती है तो वो स्किन अपनी जगह छोड़ देती है तो वो आईब्रो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसे में वो आईब्रो थोड़ी मोटी बन रही है और हमने पहले वाली आईब्रो पतली कर दी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए हमें पहले देखना है कि कट वाली आईब्रो कैसी बन रही है और उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी वाली आईब्रो सेट करनी होती है। अभी इनके क्या फ्रंट में था और मैं इनकी हमेशा बनाती हूँ तो मुझे आइडिया था, इसलिए मैंने ऐसे बनाया, वरना हमेशा जिनसे कट हो वो आईब्रो हमें पहले बनानी है। आप अगर बिगनर्स हो तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अभी आप देख सकते हैं इनकी आईब्रो बन चुकी है और मैं 4-8 बना रही हूँ। तो 4-8 के लिए देखिए, अगर क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव हो तो आपको क्लाइंट को बोलना है कि वो अपने ऊपर वाले हेयर प्लस थोड़ा सा अपनी आईब्रोज़ को भी पकड़ ले, उससे क्या है स्किन स्ट्रेच हो जाएगी और हेयर बहुत आसानी से निकल जाएंगे, क्लाइंट को पेन भी ज़्यादा नहीं होगा और कट्स आने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो मैंने अपनी क्लाइंट को बोल दिया ताकि वो पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छे से उनके हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। 4-8 बनाते समय हमेशा आपको हेयर लाइन को ध्यान में रखना है, हेयर लाइन को फॉलो करना है और जो भी छोटे छोटे हेयर्स हैं वो हमें सभी निकाल देने हैं। आपको हमेशा लाइट चलाकर आईब्रो बनानी है, क्योंकि लाइट में क्या होता है जो भी क्लाइंट के छोटे छोटे हेयर्स हैं ना वो बहुत अच्छे से दिख जाते हैं, वरना हमारे क्लाइंट्स बहुत बार कंप्लेन कर देते हैं कि हमारे हेयर्स रह गए थे, कोई भी हेयर छूटना नहीं चाहिए। क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट हमें वैसे ही वर्क करना है। सो आप देख सकते हैं उधर से हमने 4-8 बिल्कुल क्लीन कर दिया है और इधर भी जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो हम निकाल देंगे हेयर लाइन को फॉलो करते हुए। हमें क्लाइंट की हेयर एक प्रॉपर शेप देनी है 4-8 में भी, 4-8 में हमें बिल्कुल ऐसे ही नहीं बना देना है, एक प्रॉपर शेप को फॉलो करते हुए हमें 4-8 बनाना है। और इनके देखिए थोड़ा पिंपल भी हो रहा था तो उनको भी हमें ध्यान रखना है। अभी इनकी मांग का सिंदूर इनकी आइज़ पर लग गया था तो वो हम क्लीन कर देंगे और उसके बाद में एक बार हम वापस इनकी आईब्रोज चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं इनकी आईब्रोज में ना एक आईब्रो हल्की सी ऊपर नीचे है, तो अभी इसको हम ठीक करेंगे। हम इसीलिए हमने बिल्कुल पूरे बाल अच्छे से नहीं हटाए थे कि हम एक बार देख सकेंगे कि कहाँ से बाद में हेयर रिमूव करना है ताकि आईब्रो ऊपर नीचे नहीं नजर आए। अभी हमने बिंदी की जगह से बाल रिमूव कर दिए हैं, आप देख सकते हैं आईब्रोज को भी और कैसे हम हेयर रिमूव कर रहे हैं। आपको धागा बहुत अच्छे से चलाना है, आपके धागे का मुंह में जो धागा है वो और हाथ का बैलेंस एकदम बराबर होना चाहिए। और अभी आप देखिए थोड़ा सा इनके आईब्रो में फ़र्क है, ऊपर नीचे से बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। उसको हम अभी ये जो आईब्रो ऊपर की तरफ है उसमें हम ऊपर से हेयर रिमूव करेंगे। तो मैं देखिए ये कट कर रही हूँ हेयर और उसके बाद में जो भी इसमें अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको हम निकाल देंगे ताकि इनकी आईब्रो बराबर लगे। और जो सेकंड आईब्रो है उसमें हम नीचे से हेयर निकालेंगे, ऊपर से नहीं निकालेंगे, ताकि दोनों आईब्रो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे एकदम से दोनों आईब्रो ना बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। सो ये देखिए ऊपर से हमने जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे वो निकाल दिए हैं और थोड़ा सा जो सेकंड आईब्रो है वहाँ भी हम नीचे से निकालेंगे। अब जिस आईब्रो में ऊपर हेयर कम है और नीचे ज़्यादा है तो हम नीचे से निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं जिससे दोनों आईब्रो बिल्कुल बराबर नज़र आएगी, ऊँची नीची नज़र नहीं आएगी। सो देख लीजिए हमने यहाँ भी हेयर्स रिमूव कर दिए हैं, बहुत ध्यान से आपको हेयर निकालने हैं, एक भी हेयर अगर ज़्यादा निकल जाता है तो उसमें स्पेस नज़र आता है, इसलिए कहीं से भी एक्स्ट्रा हेयर रिमूव नहीं होना चाहिए। अभी हो चुका है उधर का और इधर भी एक बार मैं फिनिशिंग दे रही हूँ, इधर थोड़े से बाल रह गए थे उनको मैंने निकाल दिए हैं
और आप देख सकते हैं वीडियो जैसा था मैंने वैसा ही बनाया है। इसमें मैंने इसको फास्ट नहीं किया है, बिल्कुल जैसे हमने बनाया वैसे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपको बता सकूं। और आप देख सकते हैं दोनों आईब्रो एकदम इक्वल हो गई है, कहीं से भी ऊंची नीची नहीं लग रही है, ऊपर नीचे नहीं लग रही है, दोनों एकदम बराबर शेप में आ चुकी है। और उसके बाद में हम जेल लेंगे और जेल लेकर हम क्लाइंट के लगा देंगे, थोड़ा सा हम मसाज कर देंगे बहुत लाइट सा, ताकि जो क्लाइंट को ईचिंग हो रही है कम हो जाए। सो हमें अच्छे से लगा देना है थोड़ा सा, इससे क्या है जेल से ना ठंडक मिल जाती है, क्योंकि आईब्रो बनाते हैं उसके बाद में बहुत पेनफुल होता है, तो थोड़ा सा ठंडक मिल जाता है तो क्लाइंट को भी थोड़ा अच्छा फील होता है। और आप देख सकते हैं इनके आईब्रो कितना अच्छा इनका आईब्रो बना है। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।